अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके पास रात को चावल बच जाए तो इसे वेस्ट ना करें, इसे यूज़ करके हम मज़ेदार रोटी बना सकते हैं। ऐसे ही मैं कई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ रात का जो चावल बच जाता है उसे यूज़ करके। तो चलिए इस मज़ेदार रोटी को बनाना हम शुरू करते हैं। मेरे पास रात के थोड़े से चावल बच गए थे, देखिए एक गिलास। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे यूज़ करके हम मज़ेदार रोटी बनाएंगे। दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। चावल को हम इस जार में डाल लेते हैं। इस तरह से जार में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि पीसने के बाद चावल अच्छे से सॉफ्ट बने। देखिए चावल का बारीक पिसा हुआ पेस्ट अब तैयार है। इस तरह से बारीक पीसना होगा आपको। मेरे वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब इस तरह रेड कलर में लिखा होगा, इसे प्रेस कर दें आप। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे बेल आइकॉन नजर आएगा, यह है बेल आइकॉन, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। ऑल क्लिक कर दें तभी आपको मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। इस चावल के पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। इसी ग्लास से, जिस ग्लास से हमने चावल लिए थे, एक ग्लास गेहूं का आटा डाल दें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, एक आधा टीस्पून। इसे मिक्स करते जाइए। इस तरह से गूंदने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं, एक टेबलस्पून जितना डालिए। डालने के बाद फिर से गूंदना स्टार्ट कर दें, आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगा। गूंदा हुआ आटा अब तैयार है। इसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब 15 मिनट के लिए रख दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें। जब हम इस तरह से यानी बचे हुए चावल को यूज करके रोटी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजे की और सॉफ्ट रोटी बनेगी हमारी। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए गूंदा हुआ आटा रेडी है। नेक्स्ट हम रोटी बनाना यानी रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा ले लेते हैं, इसको राउंड शेप दे दें। सूखे आटे के साथ इसकी डस्टिंग कर लें। रोटी को बेल लेते हैं। रोटी तो हमारी तैयार है, इसे अब हम सेक लेते हैं। तवा गरम कर लें। तवा अच्छे से गरम हो चुका है, इसके ऊपर रोटी डाल देते हैं। थोड़ा सा तेल लगा दें। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी रोटी हमारी तैयार है। देखिए इसे एक प्लेट में निकाल लें। ऐसे ही करके हम सभी रोटी बेल के सेक लेते हैं। देख सकते हैं आप, हमारी बहुत ही ज्यादा मजेदार और सॉफ्ट रोटी अब तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही मजे की और सॉफ्ट बनती है ये। ये मजेदार बैंगन की सब्जी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल वेज विद फैम में मिल जाएगी, जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर रही हूँ, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। बहुत मजे की है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है रोटी। आप लोग इस रोटी को जरूर ट्राई करें। रात का बचा हुआ खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको मेरी आज की रोटी की रेसिपी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।